तो गाइस यार एक फैक्ट है जो कि कहता है कि फायर हैज़ नो शैडो, जिसका मतलब ये है कि जो फायर होती है उसकी कोई भी शैडो नहीं होती, यानी कि आग आग की कोई भी परछाई नहीं होती। तो गाइस आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो फैक्ट है ये सच है या फिर नहीं, कि जो आग होती है उसकी सच में परछाई होती है या फिर नहीं। जैसा आप देख सकते हो, मैंने अपने फ़ोन की जो टॉर्च ऑन कर रखी है, आप देख सकते हो जो मेरा अंगूठा है उसकी शेडो उस दीवार पर पड़ रही है, आप देख सकते हो। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लाइट लाइट सोर्स के आगे लाते हैं तो उसकी शेडो बनती है, लेकिन वहीं जो आग को अगर हम लाइट के आगे लाते हैं तो उसकी शेडो नहीं बनती। तो चलिए पता लगाते हैं। तो गाइस अभी हम बिल्कुल एक प्लेन कलर, मतलब बिल्कुल एक वाइट दीवार पर है, यानी कि बिल्कुल प्लेन दीवार है, इस पर कोई भी मैंने कलर नहीं है, मतलब बिल्कुल प्लेन वॉल है ये। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो मेरा जो हाथ है वो शेडो बना रहा है, देख सकते हो आप ये ब्लैक ब्लैक आप आउटलाइन देख रहे हो, ये शेडो ही है मेरे हाथ की। लेकिन वहीं अगर हम आग को देखें, आग की कोई भी शेडो नहीं होती। देखते हैं किस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास एक लाइटर है, मैं इस लाइटर से जो है आग, अब देख सकते हो अभी भी यहाँ पर शेडो बन रही है, ये देखिए। चलिए मैं इसको जलाकर देखता हूँ, देखते हैं कि आग की शेडो बनती है या फिर नहीं। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर लाइटर आप देख पा रहे होगे, जो अब ये वाला पार्ट देख रहे हो लाइटर ही है। चलिए मैं यहाँ पर इसको आग जलाता हूँ तो आग की कोई भी शेडो नहीं बन रही, देखिए गाइस देख सकते हो गाइस दीवार के ऊपर कोई भी आग की शेडो नहीं बन रही। जो अभी थोड़ा बहुत जो शेडो देख रहे हो वो सिर्फ इसमें से निकलने वाली गैस है, गैस की भी शेडो बन रही है, लेकिन जो आग निकल रही है इसमें से उसकी कोई भी शेडो नहीं बन पा रही है, देख सकते हो आप। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा रहा हूँ, देखिए लाइटर की शेडो बन रही है लेकिन लाइटर में से निकलने वाली जो आग है उसकी कोई भी शेडो नहीं बन पा रही, ठीक है। देखिए गाइस दोस्तों, आग की कोई शेडो नहीं होती, इस बात का मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि सच में आग की कोई भी परछाई नहीं होती। लेकिन यार इसके पीछे की साइंस क्या है, यानी कि ऐसा क्यों होता है, मतलब हर एक चीज़ की जो है शेडो बन सकती है लेकिन आग की यानी कि फायर की कभी भी शेडो नहीं बन पाती। देखिए इसका सिंपल सा रीज़न ये है, जब भी हम किसी चीज़ की शेडो देखते हैं उसके उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये होता है कि वो किसी लाइट सोर्स को ब्लॉक करें, यानी कि किसी लाइट सोर्स के आगे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो जिस जहाँ पर जिस जिस सरफेस पे वो लाइट पड़ रही है वहाँ पर एक शेडो यानी कि एक डार्क कलर का एक एरिया बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में से जो टॉर्च है उनको भी एक लाइट सोर्स है और उसके आगे अगर मैं अपना हाथ लाता हूँ तो वो उस लाइट सोर्स को ब्लॉक कर देता है और जो कि शेडो बना देता है दीवार पर। लेकिन जो फायर है यानी कि जो आग होती है वो अपने आप में ही एक लाइट सोर्स है, इसलिए वो शेडो नहीं बनाता क्योंकि वो खुद ही अपने आप में यार एक लाइट सोर्स है, और एक लाइट सोर्स जब एक लाइट सोर्स के आगे आ जाता है तो वो कभी भी शेडो नहीं बना पाता, देख सकते हो आप आग की कोई भी शेडो नहीं बन रही। गाइस हो सकता है आपको इतना समझ में ना पाए कैमरा में, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको एक बार ये चीज़ करने को ज़रूर कहूँगा कि आप भी इस चीज़ को घर पर ट्राई ज़रूर कीजिए, आप भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आग की शेडो होती है या फिर नहीं, आप इसको ट्राई कर सकते हो और आग की कोई भी शेडो नहीं बन पाएगी, आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था, बस आज की वीडियो में यही देखना था कि आग की शेडो होती है या फिर नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।